हु द हेल इज दिस विनोद भाई, ये विनोद आखिर है कौन? कल तक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे विनोद विनोद चल रहा था और आज मेरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आने लगे विनोद विनोद विनोद। तो विनोद भैया अब है कहाँ भाई, आ जाओ, आप बहुत फेमस हो चुके हो, अब यूट्यूब पे आ जाओ, ठीक है? ओ भाई, हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं किंग इनफिल यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज का जो ये वीडियो है रैंडम वीडियो है, इसमें कुछ आप लोग के क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई मैंने बाइक को बहुत पहले बुक कर ली, 2 महीने 3 महीने हो गए, कुछ कुछ बंदे तो मार्च में बाइक बुक किए और उनको अभी तक डिलीवरी नहीं मिली है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई जब मैं बाइक चला करके आता हूं तो बाइक से स्मेलिंग आती है, बदबू आती है कुछ जलने की, तो क्या रीज़न है? और दूसरी चीज़ कि भाई आपकी बाइक की जो टैंक है वो क्यों ग्लॉसी दिख रही है, माइलेज कितनी दे रही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे को, ठीक है? तो मैंने सोचा चलो इस पे एक वीडियो बनाते हैं और आप लोग को एक सीधा आंसर मैं आप लोग को देता हूँ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले गाइस अगर आप लोग को याद हो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था एक अर्निंग ऐप के बारे में जिसका नाम है ऐप स्टॉक्स। गाइस बहुत सारे ऐसे उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई इससे सच में क्या पैसे आ रहे हैं, क्या ये जेन्यून है 100% ऐसा कुछ। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को एक लाइव प्रूफ दे देता हूँ कि मैंने कितनी अर्निंग की है और मेरे पास अकाउंट में आया है कि नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखो ये मेरा फ़ोन है और अभी मैंने जस्ट आपके सामने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है और ये रहा ऐप स्टॉक का ऐप यहाँ पे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और ओपन होने के बाद गाइस मैं रेफर के और अर्निंग पे जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, जब मैंने लास्ट टाइम बताया था तो यहाँ पे 500 मिल रहे थे, बट अभी गाइस आपको 600 मिल रहे हैं। मतलब कि एक बंदे को अगर आप रेफर करोगे, किसी आपके घर में कोई भी आदमी है उसके अकाउंट में, उसके मोबाइल में जब अगर आप बनाओगे आप स्टॉक का पूरा जब अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको 600 रुपये मिलेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे अगर मेरी अर्निंग के बारे में अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ तो आप देखते हैं 7,500 रुपीज़ मैंने यहाँ से अर्न किए हैं। और विड्रॉ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मैंने 2 बार विड्रॉ किया है, एक बार 4,000 किया, एक बार 3,000। 4,000 मैंने 5 अगस्त को किया है और 3,000 6 अगस्त को। तो ये चीज़ मैं आप लोग को अपने बैंक में ले जाके दिखा देता हूँ, जो SBI की जो ऑफिशियल ऐप है योनो। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि मैं योनो एप्लीकेशन में आ गया हूँ और मैं अकाउंट में अगर जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रेडिट हुए हैं मेरे को 5 अगस्त को, मैंने 4,000 रुपये जो वहाँ से विड्रॉ किए थे। तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये 4,000 क्रेडिट वाले हैं और फिर 6 अगस्त को मैंने जो 3,000 किए वो, तो मतलब दोनों बार मैंने जो विड्रॉ किए वो सेम डे में मेरे पास आ गया। ऐसे 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम में विड्रॉ करते हो तो शाम तक में आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है? सैटरडे संडे छोड़ के करना, नहीं तो सैटरडे संडे को अगर कर दिए तो फिर आपके पैसे 1-2 दिन के लिए अटक सकते हैं। तो सैटरडे संडे नहीं करना है विड्रॉ, ठीक है? और इससे अर्निंग करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक मिलेगी, उससे जाना है, वहां से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद गाइस आपको सबसे जो जरूरी चीज़ है वो ये है कि आपको इसके अंदर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट करना है। जब तक आप अपने अकाउंट को सक्सेसफुली क्रिएट नहीं करते हो तो आपको फिर यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिलेगा और आप आगे अर्न नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपको, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर लगेगा और पैन कार्ड लगेगा और साथ ही साथ आपको आपका साइन लगेगा। तो साइन जो है किसी भी वाइट पेपर पर आप लिख करके उसको फोटो खींच लो, उसको बाद में अपलोड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपना अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट करना है। और अगर आपको अकाउंट क्रिएट करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो भाई YouTube पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप देख के कर सकते हो। फिलहाल गाइस इससे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है काफ़ी अच्छे अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग भी कीजिए। ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है अपस्टॉक के तरफ से, अपस्टॉक्स जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे छोटे चैनल्स पे स्पॉन्सरशिप नहीं देती है। तो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा जेन्यून ऐप है, इससे मेरी अर्निंग हुई है, पैसे भी अकाउंट में आ गए हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे कुछ अर्न कर सको। तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भाई बाइक मैंने बुक की हुई है, बहुत दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए और अभी तक बाइक की डिलीवरी नहीं मिली है। तो भाई देखो डिलीवरी नहीं मिलने का जो है पहला रीज़न ये है कि ड्यू टू COVID-19 कोरोना वायरस के वजह से क्या हो रहा है कि जो रॉयल एनफील्ड के वर्कर्स है वो अपने घर जा चुके हैं, ठीक है? जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, फैक्ट्री है, वहाँ से वर्कर्स उनके घर जा चुके हैं और ड्यू टू कोरोना वायरस वापस भी नहीं आ पा रहे, तो इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन है काफ़ी स्लो हो रहा है। तो रॉयल इनफील्ड वाले क्या कर रहे हैं, बुकिंग तो ले रहे हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। यही रीज़न है कि भाई प्रोडक्शन काफ़ी स्लो हो रहा है जिस वजह से आपको आपकी बाइक की डिलीवरी नहीं मिल पा रही है। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई अभी भी बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज़्यादा इशू है, उस वजह से भी बाइक डिलीवर नहीं हो पा रहा। तो मेन रीज़न यही है कि भाई रॉयल इनफील्ड के जो अभी जो वेयर हाउस है वहाँ पर प्रोडक्शन जो है काफ़ी स्लो चल रहा है जिस वजह से आपकी बाइक की डिलीवरी आपको नहीं मिल पा रही है। तो गाइस यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है कि बाइक जब चला करके आते हैं तो स्मेल आती है,
है। तो भाई देखो स्मेल आती है वो एक्चुअली जो आपके बाइक के अंदर जो कैटलेटिक कन्वर्टर लगा हुआ है उसमें क्या रहता है कि दो मोटे मोटे कैटलिस्ट रहते हैं। कैटलिस्ट बोले तो आसान लैंग्वेज में बोले तो मोटे मोटे जाली लगी रहती है। उस वो जाली से क्या होता है कि आपके जो इंजन से गैसेस आ रही है, हार्मफुल गैसेस जो आती है वो हार्मलेस गैसों में वहाँ पर कन्वर्ट होती है, वहाँ पर गैसों का कन्वर्जन होता है। ऑब्वियसली जब गैसों का कन्वर्जन होगा तो वहाँ पर टाइम लगेगा, और हीटेड गैस जो वहाँ पर टाइम लगाएगा तो ऑब्वियसली हीटिंग ज़्यादा होगी और उसी चीज़ के स्मेल आती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये कोई इशू है, एक्चुअली ये कोई इशू नहीं है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन गाइस मुझे लास्ट दो वीडियो से आ रहे हैं कि भाई आपकी टैंक जो है ग्लॉसी हो रही है। तो भाई देखो रीज़न ये है मेरे टैंक ग्लॉसी होने का, मैंने लैमिनेशन नहीं करवा रखा है ना ही कोई कोटिंग, क्योंकि मेरे पास लैमिनेशन और कोटिंग दोनों भी अवेलेबल नहीं है, दोनों भी शॉप्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर रहते तो मैं करवाता, लेकिन ये दोनों शॉप्स मेरे पास नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम गाइस मेरे पास ये है कि मैं जहाँ काम करता हूँ पैथोलॉजी में, वहाँ मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ और शाम के 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 7 बजे ऐसे आता हूँ। तो उतना जो ये जो टाइम पीरियड है मेरा बाइक बाहर खड़े रहता है, और ऑब्वियसली बाहर जो है कोई भी शेड वगैरह है नहीं, रोड पर खड़ा रहता है, तो धूप हो गया, बारिश हो गया, कंटिन्यूसली बाइक बाहर खड़ी रहती है, जिसके वजह से अभी मेरे टैंक थोड़ी बहुत ग्लॉसी होने लगी है। तो आप लोग को ये टिप भी मिल जाएगी कि भाई अगर बाइक आप कहीं भी काम करते हो तो बाइक को अंदर रखो, शेड में रखो, या फिर अगर बाहर खड़े रखते हो तो कुछ भी प्रोटेक्शन का आप ख्याल रखो, या फिर लैमिनेशन करवाओ या कवर डाल के रखो, ऐसा कुछ भी करो, नहीं तो फिर बाइक बहुत जल्दी ग्लॉसी हो जाएगी। और भाई रॉयल इनफील्ड का यार पेंट जॉब सच में मुझे बहुत बेकार लगा, क्योंकि मैट बाइक जो है गाइस, मैंने बहुत सारे और भी कंपनीज के मैट बाइक्स देखे हैं, जैसे कि आप अपाचे ले लो, अपाचे में भी मैट ब्लू आता है, मैट रेड आता है, तो उसका सालों साल आप देखो मैट का मैट ही दिखेगा। बट यहाँ पे क्या है कि भाई 6 महीने साल भर में आपकी बाइक ग्लॉसी हो जा रही है, मतलब इतने पैसे किस बात के भाई। और जो लास्ट क्वेश्चन गाइस मेरे पास आ रहे हैं कि माइलेज कितनी दे रही है, भाई देखो माइलेज पे मैंने ऑलरेडी दो दो वीडियोस बना के रखे, एक स्टॉक साइलेंसर के साथ मैंने माइलेज टेस्ट की थी जिसमें मुझे 37 का माइलेज मिला था, ऑब्वियसली वो फर्स्ट सर्विस के बाद की माइलेज थी, सेकंड सर्विस के बाद कुछ और अच्छा माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो दूसरा माइलेज टेस्ट मैंने किया था 2-3 दिन पहले मैंने डाला, या इससे पिछला वाला वीडियो होगा, तो आप उसमें आप देख सकते हो मैंने मिनी पंजाबी साइलेंसर के साथ माइलेज टेस्ट किया, तो उसमें 33 समथिंग की जो है माइलेज मिली है। तो ऑब्वियसली अगर फ्री फ्लो साइलेंसर यूज़ करोगे तो आपका माइलेज थोड़ा कम होगा। और एक चीज़ गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि अगर मैं फ्री फ्लो साइलेंसर यूज़ करूँगा तो उसे इंजन पे इफेक्ट होगा क्या, तो भाई देखो इंजन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। एक्चुअली होता है क्या कि जब आप फ्री फ्लो साइलेंसर यूज़ करते हो तो आपका जो बाइक का जो है, जब आप एक्सलेट करते हो तो जो प्रेशर बनाता है ना आपका बाइक, वो बैक प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बैक प्रेशर रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली आपकी पिकअप कम हो जाएगी। अब जब एक्सलेट करोगे आपकी बाइक पिकअप नहीं देगी, तो आप क्या करोगे, और थोड़ा एक्सलेट करोगे उस पिकअप को गेन करने के लिए। एंड ऑब्वियसली जब आप उस पिकअप को गेन करने के लिए थोड़ा एक्सेस एक्सलेट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी जो है माइलेज कम होएगी। तो ये रीज़न है फ्री फ्लो साइलेंसर में माइलेज कम होने का। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर मैं फ्री फ्लो साइलेंसर यूज़ करूँगा तो इंजन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई भी इशू नहीं आती है। बस यही कि आपके 2-3 लीटर की जो है, 2-3 किलोमीटर पर लीटर की आपकी माइलेज की डिक्रीजिंग होएगी अगर आप फ्री फ्लो साइलेंसर यूज़ करते हो तो। बाकी गाइस यही रही कुल मिला के पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला हो। और गाइस अपस्टॉक्स ऐप को डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी कमाओ और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।